आप चाहे तो इसमें डिजाइन भी दे सकते हैं, हमें राउंड शेप देना है। अब ऊपर से देखिए हम मापेंगे 13 इंच पे एक निशान लगाएंगे। ये निशान हम बेल्ट के लिए लगा रहे हैं, अब इस निशान को हम सीधे मिला लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने सीधे खींच लिया। अब यहाँ से देखिए सामने से 2.5 इंच और आगे से 1.5 इंच इस तरह से। अब जो वहाँ पे हमने 2.5 इंच पे निशान लगाया था और 1.5 इंच, इन दोनों निशानों को इस तरह से राउंड शेप दे देंगे बेल्ट के आकार में। और यहाँ पे जो हमारा बीच में रहेगा उसको थोड़ा सा गहरा कर देंगे ताकि हमारा जो डॉट बनेगा बराबर से बनेगा। अब 9.5 इंच पे एक बस्ट का पॉइंट निशान लगाएंगे। अब इस निशान से सामने की तरफ देखिए यहाँ पे 1.5 इंच की दूरी देंगे और ये वाला हमारा जो डॉट रहेगा 1/2 इंच का लगेगा। अब आर्म होल की साइड में 1.5 इंच का निशान लगाएंगे, ये भी हमारा जो डॉट रहेगा 1/2 इंच का रहेगा। साइड में देखिए लगाएंगे निशान, तो यहाँ पे साथ है 5.5 से निशान लगा देंगे। 1.5 इंच की हम बस्ट पॉइंट से दूरी रखते हुए सारे डॉट को क्रिएट करेंगे। ये जो डॉट है उसको हम 2 इंच का बनाएंगे ताकि हमारा जो पफ है अच्छा बने एकदम परफेक्ट। तो देखिए हमारी ड्राफ्टिंग हो चुकी है, अभी इसके हम कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर प्लीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करें और लाइक एक लाइक कर दीजिएगा प्लीज़। आप लोग के लाइक करने से कोई पैसा नहीं लगता, बट हाँ हम लोग को मोटिवेशन हमें ज़रूर मिलती है। अगर हमारे वीडियो में कोई कमी भी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं ताकि हमें पता चले कि हमारी वीडियो में क्या कमी है। और अगर हमारे वीडियो में कोई कमी रह गई हो तो उसको हम फिर से कोशिश करेंगे ताकि हमारी दोबारी गलती से ना हो। तो देखिए यहाँ पे हमने कटिंग कर दी, अब आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम